हेलो डियर सी एंटर के प्यारे बच्चों, आई नो कि आपका आज लॉ का पेपर था एंड मैंने लॉ का पेपर प्रिंट आउट निकाल लिया है और मैंने इसको एनालाइज किया है। एंड माय गॉड, मतलब ये पेपर इतना इजी है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से। मैं इसको डिफिकल्टी लेवल 10 में से इसको मैं 6.5 मार्क्स दूंगा। मुझे नहीं लगता कि पेपर डिफिकल्ट है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो, जहाँ पे MNO लिमिटेड की बात की है, उसमें सबसे पहले लिखा है एट द टाइम ऑफ इशू द कंपनी हैज़ फुलफिल्ड द कंडीशंस रिलेटेड टू इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी को वेरिएशन इन राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब वेरिएशन इन राइट्स, शेयर कैपिटल का टॉपिक है ये, क्वेश्चन है ये, एरिया है ये दिया हुआ है। फिर कंपनी के मेमोरेंडम में एंड आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है कि कंपनी वेरिएशन ला सकती है। 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स ने अपनी कंसेंट दी है, डिसेंटिंग 4,500 है, वो ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहते हैं, एग्जामिन करो क्या ये कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इतना ईजी है, मैं क्या बताऊँ, मतलब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था। फिर उसके बाद आता है BBQ लिमिटेड, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस हैदराबाद में है, उसकी 2 ब्रांच ऑफिस है, एक दिल्ली में है और एक लंदन में है। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ब्रांचेस का रिकॉर्ड किया जाता है, आर रिकॉर्डेड एंड ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन इन दी ब्रांचेस, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांचेस में मेंटेन करते हैं। तो ये अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ईजी है, 5 मार्क का है, मतलब डायरेक्ट मॉड्यूल से उठा के दिया हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगर हम देखें, मिस्टर एल वॉज एम्प्लॉयड एज अ फैशन डिजाइनर इन एलिगेंट टेक्सटाइल लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी गुड़गांव की, और उसने इफेक्टिवली 183 डेज सर्विसेज दी है। 1 अप्रैल 2024 को एच ने द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ जेफ फैशन लिमिटेड अ फॉरेन कंट्री ऑफर्ड हिम बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इंडिया छोड़ के चला गया नौकरी के लिए, वहाँ पे वापस से इंडिया आया फैमिली फंक्शन के लिए, इन लाइट ऑफ प्रोविजन फेमा, बताओ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। ये मतलब 4 मार्क हाथ के है बच्चों, इसके अंदर कुछ नहीं दिया है कि वो फैमिली फंक्शन के लिए आया, पिछले साल कितने दिन था देखना है, वेकेशन के लिए गया होता, इंस्टेड ऑफ वेकेशन ही ज्वाइंस एन एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन कंपनी आफ्टर अराइविंग, तो क्या होगा। PRI PROI का क्वेश्चन है, लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला दिया हुआ है कि क्वेरीज, क्या रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। उसके बाद देखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ये डिपॉजिट्स का क्वेश्चन लग रहा है, प्रोस्पेक्टस का है। उसके बाद इनके शेयर्स वर अलॉटेड विद इन रिक्विजिट टाइम, व्हेन कैन द कंपनी स्टार्ट यूटिलाइजिंग द फंड, 5 मार्क के लिए 3 क्वेश्चन दिए हुए। आई डोंट नो इसकी मार्किंग कैसे होगी, बट ये काफ़ी आसान लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2A भी काफ़ी ईजी है। उसके बाद वेयर मिस्टर MNP ज्वाइंट शेयर होल्डर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनके पास 500 शेयर्स हैव कन्फ्लिक्ट इन व्यू ऑन वन स्पेशल बिजनेस एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, M इज एंडोर्सिंग द रेजोल्यूशन एंड P इज डिसेंटिंग, डिटरमाइन करो प्रोसीजर फॉर कास्टिंग द वोट इन इवेंट ऑफ सच सिचुएशन। माई गॉड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है। आप लोग को पता है कि जिसका नाम ऊपर होता है, किसके अंदर आपके ज्वाइंट शेयर होल्डिंग में जिसका नाम फर्स्ट होता है उसको अधिकार मिलता है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसके बाद 2 मार्क का एक और क्वेश्चन दिया हुआ ओकरा लिमिटेड, ये क्वेश्चन आपके दबंग 1 के अंदर भी है, शायद दबंग 1 या दबंग 3 के अंदर है, जिसकी नेटवर्थ 110 करोड़ है, टर्नओवर 450 करोड़ है, उसको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है पब्लिक से, बताइए क्या पब्लिक से। माई गॉड, दिस इज अबाउट एलिजिबल कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 2B2 2 मार्क का एलिजिबल कंपनी के लिए है डिपॉजिट्स का। अगर आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा रहेगा 1 डे बिफोर का, तो मैंने यही सेम चीज़ के बारे में बताया था। इवन ये जो ऊपर का क्वेश्चन है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास के अंदर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2C के अंदर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कूल प्राइवेट लिमिटेड थ्रू अ रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग ग्रांटेड ऑथराइजेशन टू मिस्टर शरद, जो CEO है कंपनी के, 2 एम्प्लॉय रखने हैं। सब्सिक्वेंटली शरद ने सुरेश और हेमंत को सिलेक्ट किया। 1 महीने बाद शरद ने नोटिस किया कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ड्यूटीज अच्छे से नहीं कर रहे, उसने उसको निकाल दिया। अच्छा, ये जनरल क्लॉज एक्ट का है, तो जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको काम पर रखने की ताकत है तो निकालने की भी ताकत होगी। माई गॉड, क्या पेपर है, मैंने क्या बोला था आप लोग को, 6 मार्क्स भी क्यों दूँ मैं इसको 10 में से, तो भाई ये पेपर मतलब 10 मार्क्स, 10 की अगर हम स्केल देखें तो 10 की स्केल में ये वाला भाई, ये वाला पॉइंट और ये सब टाइप के क्वेश्चंस, मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई ज़्यादा अभी तक, मतलब अगर हम देखें 10 में से, मैं इसको डिफिकल्टी लेवल तो और 5 कर दूंगा। फर्स्ट 5 मार्क्स एकदम हाथ के थे, उसके बाद 5 मार्क दूसरे क्वेश्चन के भी हाथ के थे, 10 हो गए, 10 और 4 हो गए आपके 14 मार्क्स। 14 मार्क्स का पेपर एकदम ईजी है, 14 प्लस 5 जो क्वेश्चन नंबर 2 था प्राइवेट प्लेसमेंट वाला, 14 प्लस 5 19 मार्क 19। फिर ये 3 मार्क वाला जो क्वेश्चन था जो कौन वोट कर सकता है 3 मार्क का, तो ये भी इजी, ये भी इजी, ये भी इजी,
25-30 मार्क तो आपके ऐसे हाथ के हैं। आई होप आप लोगों ने इसमें गुफ अप नहीं किया होगा। हाँ, इसका डिटेल सोल्यूशन वाला वीडियो मैं बनाऊंगा, बट पहले आप इसका समझ लो कि इसकी डिफिकल्टी लेवल क्या है। एक और GCA का क्वेश्चन आ चुका है 2 मार्क के लिए। एम ने इशू किया चेक 3 लाख का 10 बजे। एन के कंसिडरेशन लेकर टूवर्ड्स मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द लेटर। एन ने प्रेजेंट किया चेक 31/3/2024 को ड्यूरिंग द बैंकिंग बिजनेस आवर्स। द चेक वॉज डिसऑनर टेकिंग द प्ली दैट वॉज नॉट प्रेजेंट विद इन द रिक्वेस्टेड टाइम ऑफ 3 मंथ्स एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट के तहत बताओ क्या डिसऑनर जो हुआ था। माय गुडनेस, ये भी एकदम आसान है। लास्ट का दिन काउंट होता है वाला प्रोविजन है ये, कि फर्स्ट डे काउंट नहीं होता, लास्ट का डे काउंट होता है। तो लास्ट का डे 3 महीना हो रहा है तो उसको काउंट करेंगे, तो ये चेक उसने बराबर से प्रेजेंट किया, तो डिसऑनर होने का कोई रीजन ही नहीं है। ये भी आसान है। फिर बोनस शेयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटलाइज्ड अनडिवाइडेड प्रॉफिट हैविंग एन आइडेंटिटी एंड वैल्यू केपेबल ऑफ बींग बॉट एंड सोल्ड। इन रेफरेंस टू द अबव लाइन एलेबोरेट प्री रिक्वायरमेंट्स फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। बोनस शेयर इशू करने की कंडीशन हमने सारे पॉइंट्स क्लास में लिखे हुए हैं। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। अगर आपने जो 6-7 पॉइंट भी अगर ढंग से लिखे हैं और अपनी लैंग्वेज में भी लिखा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगा। सो अगेन, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, QL लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया है सूरत में गुजरात, जिसके 1200 मेंबर्स है। जनरल मीटिंग कन्वीन हुआ जिसमें 14 मेंबर आए, तो 1200 लोग 1000 के ऊपर तो 15 आने चाहिए। तो मिस्टर मोहन एक्टिंग एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स हु आर मेंबर्स ऑफ QL लिमिटेड, श्याम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स वॉज एबसेंट। चेयरमैन मिस्टर राय एडजर्न द मीटिंग टेकिंग प्ली। ओके, तो मीटिंग एडजर्नमेंट का है क्वेश्चन। वेदर द रिक्वेस्टेड कोरम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, क्या राही कुड एडजर्न द मीटिंग इन करंट सिनेरियो। राही चेयरमैन है, चेयरमैन के पास ताकत होती है कि वो मीटिंग को एडजर्न कर सकता है। दिस इज एब्सोल्यूटली नॉनसेंसिकल क्वेश्चन। 5 मार्क का क्वेश्चन दिया है ये। क्या कर रही है इंस्टीट्यूट, मतलब 2.5 मार्क। मुझे लगता है कि इसकी डिफिकल्टी लेवल 10 में से वो और 4 नंबर पर आ चुकी है। 4 क्या, तो 3 नंबर का पेपर है ये। चलो नीचे एक इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दिख रहा है हमको। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन इन लीगल कंटेक्स्ट एंड हाउ डू दीज टू कंसेप्ट्स रिलेट टू ईच अदर एज पर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। तो ये कैसे रिलेट करती है, ये भी इजी क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का, इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन को लेकर। ये 4 मार्क का है। हाँ, कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि सर हम इंटरप्रिटेशन का टॉपिक को नहीं करेंगे। सो यू आर ओके इफ यू हैव नॉट सॉल्व दिस, इट इज ओके। बट हाँ, ये भी ईजी था। लॉन्ग बुट्स लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जो एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज एंड रिलेटेड एक्सेसरीज। बिजनेस इज सेट ऑन अ रिकवरी मोड बाय द इंडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर ए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज रिकमेंडेड द डिक्लेरेशन ऑफ ए डिविडेंड ऑफ ₹50 लाख आफ्टर अ गैप ऑफ 8 ईयर्स। तो डिविडेंड का क्वेश्चन है ये, 8 साल बाद। ओके, द डिविडेंड दिस प्रपोज्ड इज टू बी मेट पार्शियली आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट 16 लाख एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। ओके, यू आर रिक्वेस्टेड टू सपोर्ट योर आंसर विद रिक्वेस्ट कैलकुलेशन। मतलब ये क्वेश्चन Rule 3 ऑफ डिविडेंड का है। 5 मार्क का क्वेश्चन है। कल का सेशन अगर आपने देखा रहेगा तो कल के सेशन में मैंने जो बताया था उसमें से 5 और वो 4, 9 मार्क के एरिया अभी तक आ चुकी है सामने। ठीक है, LLP का क्वेश्चन है ये। डिस्प्यूट चल रहा है, आउट ऑफ 2 पार्टनर्स 1 ड्यू टू क्वारल लेफ्ट द LLP, द अदर पार्टनर अलोन कंटिन्यूड द बिजनेस। ये 6 महीने से ज्यादा अगर आप चलाते हो तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। 5 मार्क का क्वेश्चन दिया भाई साहब। माय गॉड, जनरलिया स्पेक्युलेबस नॉन डेरोगेट इन कनेक्शन विद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। ये भी इजी है। जनरल वर्ड का मीनिंग आप स्पेशल वर्ड से निकालोगे। फिर उसका आता है स्टॉल वर्थ लिमिटेड, एक लिस्टेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 11 करोड़ का, जिसका टर्न ओवर 100 करोड़ है। उसने अपॉइंट किया एक ऑडिट कमेटी को जिसने मेसर्स ANC एसोसिएट्स, एक फर्म है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स having such qualification and experience as is required for appointment. The board disagreed with the said recommendation of the committee and refer back to it for consideration. Audit committee was adamant on appointing the above firm of chartered accountants. Discuss the course of action, steps to be taken. Okay, तो ये question दिया है हमारा company law के अंदर के audit के topic का। Now this is 5 marks, मतलब अराउंड 12 मार्क के क्वेश्चंस, 13-14 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने अभी तक जो कल के सेशन लिया था उसमें से आ चुका है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने बताया था कि ऑडिट कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स जो होती है
मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करते बैठूंगा। ऑडिट कमेटी का काम होता है रिकमेंड करना, और अगर रिकमेंडेशन नहीं जमती है तो भाई काम बोर्ड कर सकता है, बोर्ड सिलेक्ट करेगा, अपना रीजन देगा इन राइटिंग, और एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे एक नए ऑडिटर को, बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन से करेगा, फिर शेयर होल्डर्स उसको अग्री करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड ने क्या बोला है। बोर्ड को क्या स्टेप लेना है, डेडलॉक हुआ तो क्या होगा, कैजुअल वैकेंसी को लेकर क्वेश्चन दिया है, वेरी इजी। विसल ब्लोअर की जो प्रोविजन है 3 मार्क का, ये भी काफ़ी इजी है कि विसल ब्लोअर के साथ गलत नहीं करोगे, उसको निकाला नहीं जाएगा। और उसके बाद नीचे दिया है डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट इन रिटर्न, तो ये पेनल्टी का क्वेश्चन है 2 मार्क का, ये भी इजी है। जेंडर एंड नंबर, सिंगुलर इज इक्वल टू प्लूरल, मैस्कुलिन इक्वल्स टू फेमिनाइन, 4 मार्क के लिए दिया हुआ है ये जीसीए का क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता कि पेपर में कुछ डिफिकल्ट रहा रहेगा, अभी तक तो मैं 6th क्वेश्चन पे आ चुका हूँ, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये। अब मैं 6th क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। एलकेजी लिमिटेड एक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 12.5 करोड़ का है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 3,500 है, डायरेक्टर्स ने जनरल मीटिंग बुलाया 6 मई को 2 बजे, मीटिंग के दिन कोरम प्रेजेंट नहीं था, आधे घंटे के अंदर इसके लिए एडजर्न किया 13 मई को, सेम डे सेम वेन्यू वगैरह जो भी है। अब अगले दिन अगली मीटिंग में सिर्फ 2 ही लोग आए, आपको मालूम है एडजर्न मीटिंग में जो भी लोग आते हैं उसको वैलिडली कन्वीन, मतलब अगर एडजर्न मीटिंग के अंदर जो भी लोग आते हैं उसको हम लोग वैलिड कोरम मानते हैं, तो ये वो वाला पार्ट है। फिर उसके बाद 16 मेंबर प्रेजेंट है, बट चेयरमैन ओनिंग टू अनरूली बिहेवियर ऑफ सम मेंबर्स, ओके उसने एडजर्न कर दिया मीटिंग, ओके। और उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, इन केस वे सच मीटिंग वॉज कॉल्ड बाय रिक्वेजिशनिस्ट अंडर सेक्शन 100, तो अगर रिक्वेजिशन के थ्रू अगर मीटिंग होती है तो आपको पता है कि वो एडजर्न ही नहीं हो सकती, मतलब वो मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड। क्या क्वेश्चन दिया है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी मैंने कल के सेशन में दिया था, तो 20 मार्क्स फ्रॉम माई येस्टरडे सेशन, 1 डे बिफोर एग्जाम आ चुका है, मैंने 25 मार्क्स का गारंटी दिया था। अगर आपने कल का सेशन देखा रहेगा तो आपको समझ में आ गया रहेगा ये वाला। फिर यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट सेशन सेक्शन दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है, इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज़ गैदर्ड सम इन्फॉर्मेशन, उसको लगता है कि अकाउंट्स ऑफ FSG लिमिटेड मैनिपुलेटेड है, इनकरेक्ट पोजिशन दी हुई है, ओके। स्टैचुटरी प्रोविजन, ये अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, ये क्लास में बताया था, वॉलंटरी रिविजन एंड हाउ मेनी प्रीसीडिंग ईयर्स फाइनेंशियल ईयर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 5 मार्क का क्वेश्चन। अगर आपने क्लास अटेंड की है, आपको मैंने इसके 2 चार्ट्स बना के दिए थे कि कब वॉलंटरी होता है और कब हमको कब तक मेंटेन करके रखना पड़ता है, 2 फ्लो चार्ट बनाए थे हमने, 5 मार्क का क्वेश्चन है। माई गॉड, 10 में से मैं इस पेपर को दूंगा 3 मार्क्स, इतनी कम डिफिकल्टी है इसकी, ओके। फिर नेक्स्ट आता है कि ऑडिट रिपोर्ट कौन साइन करेगा, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के अंदर एज पर कंपनी लॉ। उसके बाद आता है किधर गए, हाँ, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सपर्ट्स कंसेंट इंक्लूडिंग इन द प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड, ये प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन है कि जो एक्सपर्ट होता है उसकी जो कंसेंट है उसमें क्या कहेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है। माय गॉड, क्या पेपर बना इंस्टीट्यूट ने। मैं तो कहता हूँ कि इस पेपर के अंदर आपका एग्जम्पशन गारंटेड होना चाहिए बच्चों, ये पेपर के अंदर आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। अगर आपने मन से भी अपनी लैंग्वेज में लिखा रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए। 4 मार्क का अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फेमा का क्वेश्चन है ये, हाँ फेमा का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू द रेमिटेंस, सबसे पहले कमीशन दिया आपने रेसिडेंशियल फ्लैट के सेल का, फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज, फिर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, तीनों की तीनों 4 मार्क डायरेक्ट मॉड्यूल से उठा के दिया है। ये पेपर आपका जीवन बदल सकता है, आपका ग्रुप 1 क्लियर हो सकता है। आई होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। और एक चीज बता दूं, अब पेपर हो चुका है, इसको पूरा सॉल्व करते मत बैठना, इसी के लिए मैंने किसी भी आंसर का डिस्कशन नहीं किया, बस ओवरव्यू दिया है। ये पेपर काफी आसान था, बहुत ईजी था। मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपने, मान लो मैं जितने बच्चों को मिला हूँ, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम जीसी और इंटरप्रिटेशन को नहीं करेंगे, उन लोगों ने भी अगर उनको छोड़ भी दिया फिर भी आपको 85-80 मार्क्स का पेपर आना चाहिए। और ये पेपर इतना आसान है कि मैंने सोचा ही नहीं था इतना ईजी हो सकता है कोई पेपर। और जो LLP के क्वेश्चन थे वो तो CA फाउंडेशन के क्वेश्चन थे LLP के। सो आई होप आप सबके पेपर अच्छे गए होंगे। एंड करण सर का रिविजन सीरीज चल रहा है टैक्स का, भाई बहुत मेहनत कर रहा है अपना, प्लीज उसको पूरा देखना, भाई की मेहनत को वेस्ट जाने मत देना। सर सारा का पूरा आपका टैक्स रिवाइज करवा के देने वाले। मैंने आपका पेपर, मैं इसको दूंगा 10 में से 2 नंबर, भाई डिफिकल्टी लेवल एकदम लल्लू पल्लू सी है, 10 out of 2 out of 10 मैंने दिए है इस पेपर को, टैक्स के पेपर के लिए। ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं CA फाइनल के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।
भागो, बाय, स्टडी करो एंड करण सर की प्लेलिस्ट देखना ना भूलें।